दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रूस ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। रूस के एक अधिकारी का कहना है कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन को मॉस्को के कामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडिनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव के हवाले से कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू करने जा रहा है और हम जल्द ही इसकी अनुमति हासिल कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि आम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए निश्चित प्रक्रिया है। 10 से 13 सितंबर के बीच नागरिक इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के बैच की अनुमति प्राप्त करनी है। इसके बाद हम इस वैक्सीन को आम लोगों के लिए जारी कर देंगे। आपको बता दें इस वैक्सीन को मॉस्को के कामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडिनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। इस वैक्सीन की 2 ट्रायल इस साल जून जुलाई में किए गए थे और इसमें 76 प्रतिभागी शामिल थे। परिणामों में 100% एंटीबॉडी विकसित हुई थी। इस वैक्सीन का नाम रूस की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक से मिला है, जिसे रूस में 1957 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। उस वक्त भी रूस और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चरम पर थी। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास को लेकर अमेरिका और रूस के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी। रूस के वेल्थ फंड के मुखिया किरिल दिमित्रीव ने वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया को स्पेस रेस जैसा बताया था। उन्होंने यूएस टीवी को बताया था कि जब अमेरिका ने स्पुतनिक की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गए। और अब यही बात वैक्सीन के साथ है।